जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सभी का जा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे क्या संविदा पे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं बिहार में, क्या सही में उनका वेतन बढ़ा है या बढ़ने वाला है, या एक र्यूमर है, एक अफवाह है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और कॉमेंट करके आप क्वेरी को पूछ सकते हैं। क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जो ये र्यूमर उड़ रहा है, चाहे वो बिहार टोला सेवक की बात हो, शिक्षा सेवक की बात हो, तालीमी मरकज की बात हो, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जितने का भी सिलेक्शन हुआ है जो कार्यरत है उनकी बात हो, संविदा पे जो है अगर कार्यरत कोई भी कर्मचारी है तो क्या बिहार में उनका वेतन बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है वेतन तो क्या वो वेतन दोगुना तिगुना हो रहा है, क्या ये है क्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात कर ले शिक्षा सेवक टोला सेवक का, जिनका सैलरी 8000 जो है ना डिसाइडेड है, क्या वो 8000 24000 बन जाएगा, क्या वो 8000 अब 24000 बन जाएगा, या कहीं पे कोई संविदा पे काम कर रहे हैं अगर उनका सैलरी 10000 है तो क्या 30000 हो जाएगा, इज इट पॉसिबल। क्या आपने कहीं नोटिस पढ़ा है, बिहार सरकार के द्वारा कोई नोटिस निकाला गया है या किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, कहीं भी अगर आप देखे हैं पढ़े हैं तो उसका सोर्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको पूरे डिटेल में आज हम लोग जानेंगे समझेंगे, क्योंकि देखिए सर हवा हवा में बात करने से नहीं होगा, वीडियो बनाते हैं हम तो दायित्व लेके बनाते हैं और आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये जितने भी न्यूज या कहीं भी आप वीडियो में देख रहे हैं या कोई भी बना रहा है तो वो सही बना रहा है कि गलत बना रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बात सही है कि संविदा पे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं बिहार में उनका वेतन बढ़ना चाहिए, 100% वेतन बढ़ना चाहिए, जेन्यून है बढ़ना, क्योंकि उस पैसे में उनका परिवार नहीं चल सकता है, दाल रोटी में भी दिक्कत हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम बात कर ले भी टोला सेवक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नाइट वॉचमैन, सेविका या जितने भी का अपॉइंटमेंट हुआ है या जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है, उन सब का अगर हम ले कि एग्जांपल के तौर पे, तो डेफिनेटली उनका सैलरी जो है ना वो उस लायक नहीं है जिससे वो अपने फैमिली को सही से मेंटेन कर पाए। तो ऑफकोर्स सैलरी बढ़ना चाहिए और इसके लिए हम सबको आवाज भी उठाना चाहिए, नो डाउट। अगर आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कस्तूरबा गांधी के कर्मचारी धरना पे भी थे, इससे पहले भी बहुत बार देखा गया है टोला मरकज के कर्मचारी भी धरना पे थे, क्योंकि उनसे उसका क्या होने वाला है, डेफिनेटली होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे गवर्नमेंट से कि इनका सैलरी बढ़ना चाहिए, नो डाउट। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जहां पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कहीं कहीं से, तो वो गलत मिल रहा है, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है विभागीय या ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। लेकिन जैसे ही कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो सोर्स आपको देखना पड़ेगा कि कहां से मिला है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए टोला सेवक या तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक या कस्तूरबा गांधी का अगर सैलरी बढ़ता है तो वो उसको ऑफिशियली जो है ना अनाउंस किया जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। हमने पूरा वेबसाइट देखा है, हर एक जगह से इन्फॉर्मेशन पता लगाने का कोशिश की है, कहीं भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि सैलरी उलरी अभी नहीं बढ़ा है, बाय द वे बढ़ना चाहिए, इसके लिए आवाज उठाना चाहिए और बार बार आवाज उठाया भी जा रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8000 रुपया में कोई टोला सेवक शिक्षा सेवक कार्य करेंगे तो क्या होगा उनका। लेकिन एक लॉजिक ये भी है कि अगर कोई बोला कि 24000 हो गया है शिक्षा सेवक टोला सेवक तालीमी मरकज का सैलरी या नाइट वॉचमैन का या सेविका का किसी का भी, आप जरा सोचिए कि शिक्षा सेवक टोला सेवक जिस स्कूल में काम करेंगे उस स्कूल के जो टीचर होते हैं जो अभी बीपीएससी के द्वारा नहीं आए हैं, अभी वो क्या है नियोजित टीचर है, उनका सैलरी कितना है, तो उतना सैलरी तो उनको नहीं मिलने वाला है, ये बात तो क्लियर है। चाहे अभी बीपीएससी टीचर के थ्रू जो जा रहे हैं उनका देखिए सैलरी कितना होगा, तो आप डायरेक्ट उतना सैलरी बता दीजिएगा तो उससे नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा फेक न्यूज है, फेक इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो हम कहेंगे और हम चाहेंगे आप जितने भी संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, ऑफ कोर्स आप आवाज उठाइए, नो डाउट, मिलना चाहिए, आपके लिए हम भी खड़े हो सकते हैं, हम भी आवाज उठाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, आपको सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन जहां तक वीडियो पे देखा जा रहा है या यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। आप जितने भी संविदा पे अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो उसका सैलरी दिया गया है नोटिस में वही सैलरी है,
उसमें कोई बढ़ाव नहीं हुआ। अगर वो बढ़ता भी है, मान लीजिए 8,000 रुपया किसी का सैलरी है चोला सेवक तालीमी मरकज शिक्षा सेवक का, तो वो बढ़ेगा भी तो 2 से 3 हजार रुपया बढ़ता है। ऐसे नहीं होता है कि 3 टाइम्स बढ़ जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिहार सरकार का देख लीजिए, जो राजस्व है इनके पास पैसा कितना है, जो ये 8,000 को 24,000 कर दे और 30,000 को 1 लाख कर दे, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये सब जो है ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स न्यूज है, और मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए और खासकर हम अपने सब्सक्राइबर को ये बात बताएं कि नहीं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इस पे आप नहीं जाइएगा। आप अगर फॉर्म भर चुके हैं तो आप मेरिट लिस्ट चेक करिए, आप उसमें आपत्ति दर्ज करिए, या अगर आप वेट कर रहे हैं, आपका मेगा सूची में नाम है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट कीजिए। अगर आपके जिला में अगर अभी तक नहीं आया है नोटिस तो उसका वेट करिए, जैसे ही नोटिस आता है फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दीजिए। ना कि इन बातों पे ध्यान दीजिए कि सैलरी 15,000 हो गया, 16,000 हो गया, हो सकता है कि 24,000, 20,000, 30,000 सैलरी देख के एक मोटिवेशन अलग आता है, नो डाउट, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि सिर्फ कहने से नहीं होता है, वो अकाउंट में क्रेडिट भी होना चाहिए। अगर वो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो बाद में फिर आप डिमोटिवेट हो जाइएगा जब उस कार्य को आप करने जाइएगा, क्योंकि आप समझिएगा कि हमको तो 30,000 रुपया मिलने वाला है, लेकिन जब आप काम करिएगा, अपॉइंटमेंट होगा और नियुक्ति पत्र मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको जो है ना मानदेय के रूप में 8,000 रुपया दिया जा रहा है, 6,600 दिया जा रहा है, 6,700 दिया जा रहा है, तब आपको जो है ना दुख होगा। तो इस दुख से बचने के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और सही इन्फॉर्मेशन देने का मोटिवेशन और आता है। और हम चाहेंगे कि आपके लिए एक एक अपडेट, एक एक इन्फॉर्मेशन रियल इन्फॉर्मेशन दे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे, और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि जितने भी वैकेंसी आएंगे उनका अपडेट हम देते रहेंगे, चाहे वो आपके लिए, भले ही वो देखने वाले 1 या 2 लोग हो, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए मैटर करता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो अगर कोई एक वीडियो देखे हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो भी देखे, ताकि वो प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट रहे और सही जानकारी मिले, रियल जानकारी मिले। कस्तूरबा गांधी में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे नोटिफिकेशन आ रहा है। बहुत सारे कस्तूरबा गांधी के कैंडिडेट्स बता रहे थे कि सर अभी नाइट वॉचमैन, सेविका, रसोईया, सहायक का नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़ा सा डिले हो गया बीपीएससी टीचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण, आप सबका जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आएगा। इसके बाद जो सेकेंड लिस्ट धीरे धीरे आएगा उसमें टाइम लगेगा, हम पहले ही बोल चुके हैं। इसके बाद अगर टोला सेवक तालीमी मरकज की बात कर ले तो देखिए, इसमें जिसका भी जो है ना मेगा सूची आ चुका है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्या इसका सेकेंड लिस्ट भी आएगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं बहुत ही कम चांस है इसमें सेकेंड लिस्ट आने का, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए, प्रखंड वाइज देखिएगा तो सीटों की संख्या कम है, बहुत सारे पंचायत में सीट है ही नहीं, तो इसमें सेकेंड लिस्ट आने का बहुत ही कम चांस है। हाँ, अगर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपत्ति जरूर दर्ज करिए, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम कैसे आपत्ति दर्ज करना है ये पूरा समझाए थे, साथ में हमने मेगा सूची के बारे में भी बताया था, तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल बहुत बढ़ गया है आप लोगों के प्रति, आपको जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन दे, और आपके डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आपके स्टेट ही नहीं, इंडिया लेवल पे जो भी वैकेंसी होगा, जो आपके लिए लाइक होगा, जो आपके लिए है या ना है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिएगा वैकेंसी को, अपडेट को देखते रहिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।